आया आने वाला है। लेडीज एंड जेंटलमैन, मेक वे फॉर द वन एंड ओनली मुनावर फारूकी। देखो यहाँ पे हमारे ये भाई लोग हैं, ये भाई लोग भी, भाई कहाँ से आए आप लोग? गुजरात से। गुजरात से? भाई लोग गुजरात से आए, देखो मुनावर भाई से मिलने के लिए, उनका शो देखने के लिए। तो हेलो, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज आई होप आप सभी अच्छे से होंगे। तो गाइज आज का जो वीडियो है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज जो है हम जाने वाले हैं एक ऐसे सेलिब्रिटी के शो में जो कि बहुत फेमस है और हमेशा ट्रेंडिंग में रहता है। तो हम जा रहे हैं आज मुनावर फारूकी के स्टैंड अप कॉमेडी शो में, जो कि आज है मुंबई में। तो हमें मौका मिला है आज जाने का, तो काफी एक्साइटेड है। और आप लोग को बता दूं कि मेरे साथ हमारे इम्तियाज भाई भी है, तो अभी निकल रहे हैं हम। तो इम्तियाज भाई कैसा लग रहा है अभी? भाई, 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 भाई इतना एक्साइटमेंट है ना इस बंदे से मिलने का, मतलब ऑनेस्टली हम काफी टाइम से मैं से फॉलो कर रहा हूँ, मतलब जब जीरो था वो, जब से हम देख रहा हूँ मैं से, एंड फाइनली वो मौका मिला है मुझे, क्या हम दोनों को मौका मिला एक्चुअली कि हम वो उसे देख सके। तो वीडियो एंड तक देखते रहना, क्योंकि जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा मुनावर भाई को वीडियो में कैप्चर करने की कोशिश करेंगे अपन। जो भी ये वीडियो देख रहा है और खास करके जो मुनावर की जनता है जो वीडियो देख रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। चलो अभी चलते हैं, हम लोग अभी लेट हो रहे हैं। भाई कैसा लग रहा ट्रेन में? सोचा था ट्रेन में जाएंगे अपन, जाने वाले थे कार में, मुनावर का इतना क्रेज है, देखो भाई को कितना क्रेज है, लेकिन जाएगा जरूर कार छोड़ के ट्रेन में। और रिस्क बिल्कुल लेना नहीं था, नॉर्मली एसी ट्रेन आधा घंटा लेट था, तो मैंने बोला अगर वेन्यू पे हम लोग लेट पहुंचते हैं तो एंट्री लेट हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, तो हमें पहले जाके बैठना एडवांस में, इसलिए हम लोग ने जो ट्रेन मिलता है नेक्स्ट ट्रेन रहेगा वो पकड़ लेंगे। मुनावर भाई अगर अपना ब्लॉग देखेंगे तो देखो कितना क्रेज है आप लोग, आपका शो देखने के लिए हम लोग ट्रेन में धक्के खा के आ रहे हैं, धक्के नहीं बैठ के आ रहे, लेकिन आ रहे मतलब कैसा स्ट्रगल करके। लाइफ एक्सपीरियंस है, क्योंकि पहले कभी हम, मैं तो एक्चुअली किसी के शो में ऐसा गया नहीं हूँ इतना लाइव देखने के लिए कोई भी सेलिब्रिटी का, क्योंकि फर्स्ट टाइम मुनावर का है, तो मैंने सोचा चलो जाके आते फर्स्ट टाइम देख लेंगे क्या एक्सपीरियंस होता है। तो वही एक्साइटमेंट है और कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन जाना कैसे भी था हम लोग ट्रेन से या फिर कार से, बट हमें बेस्ट ऑप्शन ट्रेन ही लगा, तो हम लोग इसलिए भी ट्रेन से निकल चुके हैं। वैसे भाई लोग मुनावर के शो की टिकट मिलती नहीं है, लकीली जिस दिन उसने पोस्ट किया और मैंने देखा और टिकट बुक कर दिया, अदरवाइज सोल्ड आउट हो जाता है, मोस्टली शोज के सोल्ड आउट हो जाता है, मिलता ही नहीं, मतलब मिलता ही नहीं है, भरा देता है। और ये फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस करने जा रहे हैं लाइव, तो देखते कैसे है। वैसे हम पहुंच गए CST, आगे मिलते हैं। आज टाटा ऑडिटोरियम में क्राउड तो अच्छा खासा दिख रहा है माशाल्लाह। ये नरीमन पॉइंट एकदम सामने है भाई, दिखा नरीमन पॉइंट सनसेट के टाइम पे पहुंचे हम लोग, तो देखते हैं अभी सब वेटिंग में लगता है, अभी तक एंट्री हुई नहीं है अभी तक लगता है किसी की, तो अभी हम भी वेट ही करते हैं। हम लोग वैसे भी बिफोर टाइम आ चुके, तो अच्छा बिफोर टाइम है ना, 7 बजे का टाइमिंग है। हाँ यहाँ से एंट्री ले रहे, अभी हम लोग आ गए हैं टाटा नाट्य मंदिर, ये थिएटर का नाम है, और अभी यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके, तो मुनावर भाई अभी तक आए नहीं है, यहाँ पे वेटिंग है। तो हमने फिलहाल अभी अपना टिकट नहीं ले चुके, तो हमारा ये 4-5 सीट नंबर है। और यहाँ पे देखो सदाकत भाई भी है, सदाकत भाई आ चुके हैं, सदाकत भाई के साथ फ़ोटो लेंगे इम्तियाज, ये सदाकत भाई के साथ अपन फ़ोटो लेंगे। मैं सदागत भाई से मुलाकात हो गई है, बहुत ही सही बंदा है, एकदम हम्बल बंदा है, मैं सबके साथ फ़ोटो भी खिंचा रहा था। और मुनावर भाई के बारे में पूछा तो बोले मुनावर भाई अभी अंदर चले गए, तो अभी हम लोग भी जा रहे हैं अपना एंट्री कर रहे हैं अंदर। तो चलो अभी मैं डायरेक्ट आपको अंदर का सीन दिखाता हूँ। मुनावर भाई की सिस्टर है। Are you ready to go? Are you ready to go?
आने वाला है भाई बस भाई अभी वीडियो बंद कर रहा है, आगे वो देखते हैं, उसके बाद मिलता हूँ आप लोग से। One hour later. बारिश छोड़ ले रहा भाई थैंक यू सो मच दोस्तों इतना प्यार देने के लिए थैंक यू ये देखो गाइस सब यहाँ पे मनोहर भाई के साथ फोटो ले रहे हैं नजदीक से ये सदागत भाई भी साथ में ही है और यहाँ से लोग एकदम लाइन लगा के खड़े हुए फोटो लेने के लिए और एक लाइन यहाँ पे भी लगी हुई है फोटो लेने के लिए सो अभी अपना नंबर भी आएगा मैं भी वेट कर रहा हूँ फोटो लेने के लिए इंतजार किया है वॉशरूम से आएंगे तो हम दोनों साथ में एक फ़ोटो लेंगे और एक सेपरेट फ़ोटो भी लेंगे इंशाल्लाह गाइज मैं ये देख रहा हूँ मुनव्वर फारूकी कितना मतलब हम्बल है सबके साथ इतने लोग खड़े सबके साथ फ़ोटो खिंचाने के लिए वो रुका हुआ है मतलब ऐसा मैंने कोई सेलिब्रिटी देखा नहीं है कि इतना फ़ोटो खिंचाने के लिए एक एक जन से सेपरेटली फ़ोटो खिंचा रहा है मतलब कब से देख रहा हूँ मैं लोग आ रहे हैं यहाँ से और लोग फ़ोटो खिंचाए जा रहे हैं यहाँ पे भी लाइनें नहीं तकरीबन बोल के यहाँ पे 500 के ऊपर ही लोग रहेंगे जो इसका शो देखने आए तो मैं अभी आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि इसका एक यही सेम शो वापस से होने वाला है 2 जून को मुंबई में तो आपको ऑनलाइन डिटेल्स मिल जाएगी तो आप लोग भी पर्सनली आके भाई का शो ज़रूर देखना अब बहुत ही मज़ा आया शो में तो गाइस अभी हम लोग वेटिंग में ये लाइन लगा के खड़े कब से और नंबर अभी तक आया नहीं है तो हम लोग सबसे समझो लास्ट में ऑलमोस्ट लास्ट है हम लोग और इधर चालू है यहाँ से लाइन ख़त्म ही नहीं हो रही है और फुल लाइन है वहाँ पे भाई अपना फ़ोटो खिंचाने में सबके साथ बिजी है नंबर का पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा लेकिन फ़ोटो तो खिंचा के ही जाऊँगा मैं तो गाइस यहाँ पे ना देखने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आए थे और लोगों में इतना क्रेज़ है सब वेट कर रहे हैं फ़ोटो खिंचाने के लिए अभी रात के 10 बज गए और देखो यहाँ पे हमारे ये भाई लोग हैं ये भाई लोग भी भाई कहाँ से आए आप लोग कहाँ गुजरात से भाई लोग गुजरात से आए देखो मुनव्वर भाई से मिलने के लिए उनका शो देखने के लिए तो गाइस आप लोगों को भी रिकमेंड करूँगा कि आप लोग भी इनका 2 जून को सेम एपिसोड होने वाला है मुंबई में तो आप ऑनलाइन टिकट देख लेना और ये शो आप लाइव एक्सपीरियंस देखना तो मज़ा आ जाएगा आपको देखने के लिए
A few moments later. बस अंदर फोटो का सीन था, वो ऑडिटोरियम का टाइम खत्म होने वजह बाहर भेज दिया पब्लिक को, और अपने मुनावर भाई बाहर फोटो खिंचाने के लिए आ गए पब्लिक के साथ फोटो खिंचाने के लिए। ये देखो भाई का पेशेंट लेवल हार्ड है भाई, ये देखो भाई एक एक से फोटो ले रहे पब्लिक के साथ, तो भाई को मानना पड़ेगा यार, ऐसा कोई सेलिब्रिटी नहीं है कि भाई कोई इतना रुकता है किसी पब्लिक के लिए। तो गाइस बड़ी मुशक्कत लगी है फोटो खिंचाने के लिए इतनी गर्दी में, देखो फोटो हो गया, निकलो भाई के लिए भाई सैल्यूट है भाई को, और बहुत अप्रिशिएशन है कि भाई का इतना पेशेंस है। तो बहुत मजा आया, इंतजार तुझे कैसा लगा सच सच बता। बात बताता हूँ, जितना उन्होंने परफॉर्म किया था जितना स्टेज पे 2 आवर्स, उतना 2 घंटे से 2.5 घंटे उनको सिर्फ फोटो खींचने के लगा, मतलब सिर्फ डबल उन्होंने सिर्फ फोटो खींचने के लिए टाइम। हाँ, इससे मालूम पड़ता है वो आदमी कितना हम्बल है और कितना डाउन टू अर्थ आदमी है। और मैं यकीन मानो मुनव्वर फारूकी को पहले से जानता नहीं था, मतलब लॉकडाउन का जो शो आया था उसका तो वो मैं देखता था, तो वो अच्छा लगा था। फिर उसके बाद मैंने सर्च किया इसका यूट्यूब पे चैनल वैनल देखा, कॉमेडी स्टैंड अप कॉमेडी देखना शुरू किया, फिर उसके रैप सॉन्ग देखना शुरू किया, मतलब भाई यार बंदा है, टैलेंट है, मल्टी टैलेंटेड है। फिर बिग बॉस में तो सब उसको जानने लग गए, मुनव्वर की जनता से तो बहुत पसंद करते हैं इसको, कल्ट फॉलोवर है, आज मैंने लाइव देख लिया इसके कल्ट फॉलोवर है भाई के। तो भाई अभी के वीडियो में तो चलो इतना ही था, तो अभी मैं जा रहा हूँ घर पे, बहुत लेट हो चुका है, तो चलो इस वीडियो को मैं एंड करता हूँ। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलूंगा इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोगों को नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।